हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरती किचन 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मथुरा के फेमस मावा के पेड़े। मावा के पेड़े घर पर ही हम आसानी से बना सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं हमने जो पेड़े बनाए हैं वो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, तो ऐसे ही टेस्टी पेड़े हम आज आपको बनाकर दिखाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेड़ा बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल देंगे हम 1.5 लीटर दूध। तो फुल क्रीम दूध हमने लिया है, तो 0.5 लीटर दूध हम और डाल देंगे, तो टोटल दूध हमारा 2 लीटर हो गया है। 2 लीटर दूध से हम पेड़ा बना रहे हैं। तो गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पर हम दूध को एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पर हमने दूध को एक उबाल आने तक पका लिया है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और धीमी धीमी आँच पर इसे हम पकने देंगे। तो दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो 20 से 25 मिनट तक हमने दूध को पका लिया है और इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई है, तो किनारों पर जो मलाई लगी रहती है और उसे हम कलछुल से छुड़ा लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम दूध को पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और किनारों पर जो मलाई जम जाती है उसे भी साथ ही छुड़ाते रहेंगे ताकि जले ना। तो दूध आप लोग देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल दिए हैं 2 कुटी हुई हरी इलायची, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पेड़े में और इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। तो दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसी स्टेज पर मिला देंगे चीनी। तो चीनी हमने 1/2 कटोरी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चीनी डालने से दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है और फिर हमें थोड़ी देर और पकाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमने गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लिया है और चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो अभी दूध को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से पककर गाढ़ा होने लगा है, तो हमें अभी 15 या 20 मिनट और लगेंगे इसे पकाने में। तो 20 से 25 मिनट हमने लगातार चलाते हुए खोए को बना लिया है और आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से हमारा खोया बन गया है। अब हम बिना देर किए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, अब इसे हम फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो खोया हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे हाथ से जो है मिक्स करेंगे ताकि इसका मुलायम डो बनकर तैयार हो जाए। तो 10 मिनट तक हमने हाथों से अच्छे से मसल कर इसको मुलायम कर लिया है और अब हमारा खोया बहुत ही अच्छे से मुलायम हो गया है, तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो खोए में हमने चीनी मिलाई है इसलिए थोड़ा सा चिपचिपापन लग रहा है, तो हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे और पेड़े बनाना शुरू करेंगे। घी लगाने से पेड़े हाथ में चिपकेंगे नहीं और आसानी से बन जाए। अगर आप पेड़े डिजाइन वाले बनाना चाहते हैं तो आप पेड़े के सांचे से डिजाइन वाले पेड़े बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा भी नहीं है तो हम आपको पेड़े बनाना बताएंगे। तो आप इस तरीके से पूड़ी छानने वाली छन्नी लीजिए और एक लोई रखिए और उसे हल्के हाथों से दबाते हुए पेड़े बना लें। तो आप लोग देख सकते हैं डिजाइनदार हमने पेड़े बना लिए हैं और इसकी डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से हम अपने पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़ा हम आपको बनाकर और दिखा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है इस तरीके से पेड़ा बनाना। तो अगर आपके पास भी सांचा नहीं है तो आप इसी तरीके से पेड़ा बना सकते हैं। तो हमने 3-4 पेड़े बना लिए हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो फटाफट से हम
जो बाकी बचा खोया है उसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो गोल गोल पेड़े भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके के पेड़े बना सकते हैं। तो हम फटाफट से डिज़ाइन वाले पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 लीटर दूध से हमने 1 किलो लगभग पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। तो कई बार लोग मावा से भी पेड़ा बनाते हैं, वो भी पेड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये दूध वाले पेड़ा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पेड़े बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो आपको जैसे पेड़े इजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले दूध से खोया बना लें उसके बाद पेड़ा बनाएं। तो मैंने तो दूध के साथ ही चीनी मिक्स कर ली थी और साथ ही खोया भी बन गया, तो उसी खोए से हम पेड़ा बना ले रहे हैं। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे ही पेड़ा बना सकते हैं। तो सभी पेड़े लगभग हमने बना लिए हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इनकी डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर आई है। तो इसी तरीके से आप लोग भी पेड़ा घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई त्यौहार है तो आप त्यौहार पर भी बना सकते हैं। अगर आपको घर में ही कुछ खाने का मीठा खाने का मन कर रहा है तो भी आप ये पेड़े बनाकर खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पेड़े के ऊपर हम एक एक बादाम लगा दे रहे हैं, इससे पेड़े देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो लगा सकते हैं। तो शुद्ध मावा के टेस्टी पेड़े बनकर तैयार हैं खाने के लिए। आप लोग भी एक बार ये पेड़े बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी देखना और बनाना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।